मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव आदि पवित्र स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर बढ़ रही है। निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोसी कला में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा केंद्र गत वर्ष स्थापित हो गया और अभी आलू प्रोसेसिंग का भी एक नया सेंटर आगरा में स्थापित होने जा रहा है। ये सभी इन किसानों के लिए जीवन में व्यापक परिवर्तन के माध्यम बनने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम सब अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं यहां पर, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे इससे पहले भी कई बार दीनदयाल धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहां पर देखा है। आज भी देख के मन कितना प्रसन्न हुआ, देख करके कैसे हम एक अधिक यानी जमी कैसे हम लोग गांव को आत्मनिर्भरता के ओर अग्रसर कर सकते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण दीनदयाल धाम है। आप वहां पर आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में किसान बंधु आए हैं, आप देखिए कैसे वर्कशॉप चलते हैं, आयुर्वेद की दवाओं को, गौ आधारित कृषि को, गौ से बनने वाले, गौमय से बनने वाले तमाम प्रकार की औषधियों से, औषधियों का निर्माण कैसे होता है, यहाँ की वर्कशॉप को थोड़ा जाकर के देखिए किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है और कितनी उत्तम क्वालिटी की आयुर्वेद की, आयुष की दवाओं को यहाँ उत्पादन हो रहा है। यह एक उदाहरण यह धाम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। तो गौ अनुसंधान केंद्र को एक नए सिरे से प्रस्तुत करके गौ माता के प्रति जो भारत की सनातन परंपरा रही है, एक ओर हम गौ को मां कहते हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया है इस धाम ने कि नहीं, अगर गौ माता है और भारतीय परंपरा कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही ही गो, अगर सभी देवी देवताओं का निवास इस गौ माता में है तो इसके संरक्षण का कार्य भी और इसके संवर्धन का दायित्व भी हम उठाएंगे और इसके लिए अनुसंधान केंद्र खोल करके नस्ल को सुधार के साथ साथ गौ माता के एक एक उत्पाद से कैसे हम उपयोगी बना सकते हैं समाज को और उसके माध्यम से हर किसान को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस कार्यक्रम का दायित्व भी इन्होंने लिया है। और मैं चाहूंगा कि इस धाम को इसके लिए एक बार जो यहां पे दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के साथ भी एमओयू करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो यह कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। भाइयों बहनों, जब मैं यहां पे आया सुबह तो मेरे सामने अनेक प्रस्ताव आए थे। एक प्रस्ताव यह भी आया कि यहां के युवाओं को आर्मी में, पुलिस में भर्ती करने के लिए एक नए प्रयास किए जाने चाहिए। हमारी सरकार ने कुछ तय किए हैं, हर गांव में खेल का मैदान हो, ग्राम प्रधान निधि के पैसे का उपयोग, प्राथमिकताएं तय की गई, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सरकार के स्तर पर स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए गए हैं, खेलकूद की गतिविधियों को हम तेजी से आगे बढ़ा सकें, वैश्विक मंच पर आज खेलकूद की प्रतियोगिताएं उस देश की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती हैं। अभी एशियन गेम में आपने देखा होगा, गत एशियन गेम में भारत ने केवल 70 मेडल जीते थे और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोत्साहन दिया खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से,
सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। परिणाम इस रूप में है, इस बार के एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने उन सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया और इसमें भी प्रसन्नता इस बात की कि भारत की कुल आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है लेकिन मेडल जीते उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25%। इस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाना है और उस प्रयास के लिए एक मिनी स्टेडियम फरौ में बने इसके लिए हम राज्य सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाएंगे जिससे यहां पे नौजवानों के प्रशिक्षण के साथ साथ यहां पर स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना, यहां की जो वर्कशॉप है जिसमें औषधियों की उत्तम औषधियों के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के साथ एक समन्वय करते हुए ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इनको एक मार्केट भी मिलेगा और एक मंच भी मिल पाएगा। इस व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है आज यहां पर मैंने देखा है कितनी बड़ी संख्या में बहनें यहां पर सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। आज हम बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपके आगरा में फ्लेटेड फैक्ट्री बन रही है, रेडीमेड गारमेंट का एक महत्वपूर्ण हम पड़ाव बना सकते हैं। हमारी आधी आबादी ऐसी है जिसको हाथ के लिए कार्य की आवश्यकता है और उनको उचित प्रशिक्षण अगर हम दे दें, तकनीक दे दें, कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का एक सबसे बड़ा अड्डा बनेगा, सबसे बड़ा केंद्र बनेगा और दुनिया के अंदर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने में मदद दे पाएंगे। इस दिशा में जो प्रयास यहां धाम पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा है वह अभिनंदनीय है। उन कार्यक्रमों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में भी हम सबको मिलकर के एक प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं आज आपने देखा होगा कि भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में